एक अमल करना जरूरी है क्योंकि वो ही साथ जाने वाले हैं। सिलसिला तो सहीहा की हदीस है। सैयदना नोमान बिन बशीर से रिवायत है, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और मौत की मिसाल इस शख्स की तरह है। अब यहाँ ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दे के समझा रहे हैं, लाइक थ्री फ्रेंड्स की, जिसके तीन दोस्त है, जिनमें से एक इसका माल। अब तीन दोस्त में से क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक इसका माल है, और वो कहे जो तुम चाहते हो ले लो। अब माल क्या है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं या कर रहे हैं, क्या माल साथ लेके जाते हैं? नो, नॉट राइट, नॉट रियली, नेवर। तो जो साथ ले, दूसरा कहे कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जब तू मर जाएगा तो मैं तुझसे जुदा हो जाएगा। अब सेकेंड क्या है, तुम मर जाएंगे तो मैं जुदा हो जाएगा। और तीसरा कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे साथ ही जाऊंगा। अब थर्ड थिंग क्या है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इनमें से तो फर्स्ट थिंग क्या था ना, माल है। माल यहीं छोड़ के जाते, कितने भी आप लाइक मिलियनर बिलियनर रहो, यहीं छोड़ के जाना है माल, जितना भी है, आप कितना भी ओन करते होंगे छोड़ के जाना है। दूसरा क्या है, इसके घर वाले हैं, इसकी औलाद है, इसकी फैमिली है, तो वो भी क्या है, यहीं छोड़ के जाने का है। अब थर्ड थिंग क्या है बोले तो, अमल है, जो नेक अमल करके गए ना, तो वो नेक अमल वाली करेंसी ही काम आने वाली है, तो वो उसके साथ जाएंगे। दो क्या है, वापस आ जाएंगे। क्या है, माल कितना भी हो, जाना कहे में है अपने को, एक श्राउड, व्हाइट कलर का श्राउड रहता, जैसा हम हज पे जाते, उमरे पे जाते तो व्हाइट श्राउड पहने हुए रहते सब, वैसे ही है हमारा आखिरी क्या है, जो खबर में हम जाते, एक व्हाइट श्राउड, कफन जो बोलते, जब हम हज पे भी जाते तो हमको मौत की याद दिलाती, क्योंकि हम व्हाइट कपड़े, बिल्कुल बेयर मिनिमम और बिल्कुल सिंपल वे में रहते, सब एक ही तरह के लिबास रहते, औरतें अबाए में हैं सिंपल, एंड आदमियाँ व्हाइट कपड़ों में हैं, एहराम में। सो दैट्स हाउ, क्या है, आप एक श्राउड करे हुए, कितने भी आप पैसे वाले हैं, लेकिन जाना क्या है, दो कपड़ों में। सो वो कुछ काम आने वाला नहीं। सेकेंड थिंग, आपके घर वाले कुछ काम में आएंगे नहीं, अंटिल अनलेस वो राइचियस चिल्ड्रेन है, या आप किसी को पढ़ा के सिखा के गए, दैट्स गोना हेल्प यू। थर्ड थिंग काम आने वाली है अमल वाली करेंसी। तो इस दुनिया में अच्छे अमल करना है, अल्लाह के साथ जो अल्लाह ताला बताए वो अल्लाह, नेक अमल, राइचियस डीड्स जो करना है, कुरान पढ़ना, सीखना, समझना, अमल करना, सुन्नत को समझना, अमल करना, और हुकुकुल इबाद बंदों के साथ भी अच्छा अमल करना है, तो यही करेंसी जाने वाला है। तो इसके लिए स्ट्राइव हार्ड करना है, दिस इज द ओनली चांस वी हैव टू डू गुड। जजाकल्ला खैरन।